है गाइस, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गौरव ब्लॉग 2.0 में आपका स्वागत। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? सुबह के मॉर्निंग के 9 बज गए हैं और गाइस आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस आज के ब्लॉग में हम खासकर मिर्च, अपने मिर्च के खेत में आए हैं और यहाँ पे हम मिर्च से रिलेटेड आपको कुछ बातें बताते हैं। तो इस समय हम खड़े हैं अपने मिर्च के खेत में, जो कि देख सकते हैं मेरे बड़े भाई जो हैं अतुल सिंह, जिनका नाम है, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सी इंटमोलॉजिस्ट का रेडियो में पढ़ते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं जो ये मिर्च तोड़ रहे हैं, और जो ये मिर्च लगाया गया वो हम ही लगाए थे पिछले लॉकडाउन में। तो पिछले लॉकडाउन में बीत गया और मिर्च नहीं हमको प्रॉफिट दिया। इस टाइम देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में मिर्च निकल रहा है। तो चलिए गाइस आपको दिखाते हैं कितने प्रकार वैरायटी के यहाँ पे हम मिर्च लगाए हैं। गोल वैरायटी, काली वैरायटी और लंबी वैरायटी जो भी होता है। जो तो गाइस ये मिर्च का पौधा जो आप देख रहे हैं, पिछले लॉकडाउन में हम भी लगाए थे और पिछले लॉकडाउन में हमको कोई प्रॉफिट नहीं दिया। ये देख सकते हैं मेरे भाई साहब हैं जो लाल मिर्च जो हो गया उसको तोड़ रहे हैं। तो गाइस वीडियो से में बने रहिएगा, आपको पूरा जानकारी इस मिर्च से रिलेटेड आपको देते हैं। दोस्त देख सकते हैं ये मिर्च का जो पौधा है, लंबी प्रजाति वाला पौधा है। इस समय देख सकते हैं जो मेरे मिर्च में किकुरा जो रोग होता है वह पकड़ लिया है। किन्हीं कारणवश अभी मैं व्यस्त चल रहा हूँ, जिसकी वजह से हम इसमें दवा नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे भाई साहब हैं, आपको बताएं कि यह DDU से MSc करते हैं इंटमोलॉजी से, तो ये मिर्च तोड़ रहे हैं। देख सकते हैं इसमें काली मिर्च वैरायटी है, लाल मिर्च वैरायटी है और लंबी वैरायटी है, और बौने किस्म की वैरायटी भी यह तोड़ रहे हैं। तो चलिए अन्य वैरायटियाँ आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाइस एक गोल वैरायटी है जो काला और लाल, काला कलर के होते हैं, बाद में जाके लाल कलर में हो जाता है। ये देख सकते हैं ब्लैक, काली वैरायटी में मोटी वैरायटी इसे कहा जाता है। यह वैरायटी खासकर जो होता है वो काली मृदा पे ही बोया जाता है। ब्लैक वैरायटी आपको दिखाया है वो पूसा यूनिवर्सिटी के बच्चे विकसित किए थे, तो जिसे हम BR-361 वैरायटी बोलते हैं। तो वह वैरायटी में हम लोग को फ़ायदा ये होता है कि वह वैरायटी 12 मंथ कभी भी उसको बोएंगे वह हमेशा मतलब मिर्च हमको प्रोवाइड करा देता है। तो वह मिर्च मेरे लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है और वह काफ़ी तीखा मिर्च है और जल्दी तैयार, अगर जल्दी फरने वाला मिर्च है। तो चलिए अन्य वैरायटी आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये जो हमारी मिर्च है ये लंबी वैरायटी में आती है। इसे गांव या कहीं भी जाएंगे इसका जो बीज लेने तो उनसे बोलेंगे नागिन छाप वैरायटी तो दे देते हैं। खासकर लंबी वैरायटियों में आते हैं, तो इनको भी मैंने लगाया है। काफ़ी 5 महीने बाद जो हुआ इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो चलिए अन्य वैरायटियाँ देखते हैं। और देख सकते हैं इस मिर्ची में हमारा जो बोलते हैं कि किकुरा रोग वह पकड़ लिया है इसमें। तो दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने बताया काली मिर्च वैरायटी, इसमें काली मिर्च बौनी वैरायटी है जो कि बहुत ही तीखी वैरायटी मानी जाती है। इसमें का मेरे पास खासकर 4 पेड़ बचा है। तो यहाँ पर देखा सकते हैं 1, 2, 3, 4, जिसका प्रोडक्शन काफ़ी लो है। गाय से ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन इसका नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक समांतर हमेशा प्रोडक्शन देते रहता है। ऐसे देख सकते हैं हमारी छोटी सिस्टर हैं जिनका नाम आकांक्षा सिंह है, जो हम लोग के साथ मिर्च के खेत में आई हैं और मिर्च तोड़ने का काम कर रही हैं। यह मिर्च ज़्यादा नहीं तोड़ती हैं और पौधे का ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। देख सकती हैं मेरा जो बहन है कितने बारीकी से मिर्च तोड़ रही है। लाल मिर्च तोड़ रही है, लाल मिर्च तोड़ रही हो। तो चलिए, तो गाइस खासकर मैंने 50 पेड़ लगाया था। गाइस आपको मैंने दिखा दिया कि जो मिर्च का तोड़ाई का काम है वो मेरे भाई और मेरे छोटे सिस्टर कर रही हैं। तो फाइनली गाइस लास्ट में आपसे यही कहेंगे कि मैंने लॉकडाउन के समय 50 पेड़ लगाया था। इस बार बहुत ज़्यादा बरसात आया, बरसात की वजह से लगभग मेरे 10-15 पेड़ और सूख गए। ले देके 15 पेड़ और मेरे पास बचे हैं जो कि इस समय प्रोडक्शन में काम आ रहे हैं। काफ़ी प्रोडक्शन नहीं देते हैं, बस घर का काम चल जाता है। तो फाइनली उम्मीद है गाइस आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अगला ब्लॉग जो हमारा रहेगा वो और इंटरेस्टिंग रहेगा।